Good morning, students. Welcome again in your virtual class of English. Let's take the blessings of God. So, join your hands and start reciting prayer. Students, today we will revise 13th chapter, E for Elephant, 14th chapter, Aunt Polly, and 15th chapter, Grandpa's Garden of your reader book. Students, I told you about elephant. मैंने आपको elephant के बारे में बताया था ना? Huge body, बड़ी सी body होती है, long trunk. Now, exercise part of the chapter, choose the correct option. बच्चे, आपको assessment में ऐसे question दिया होगा, आपने statement को read करना है, और statement के बाद 3 options दिए होंगे, उसके बाद आपने correct option को choose करना है, और उसको blank में fill करना है, okay? The 3 things about an elephant that begin with the letter T are trunk, tusk and teeth. Trunk, teeth and tail, tail, tusk and claw. आपको मालूम है बच्चे, first option correct है. तो आप tick करेंगे first option को और blank में fill भी करेंगे. Okay? Now, second question. Write T for true और F for false statements. अब बच्चे, assessment में आपने ऐसे question को read करना है, फिर नीचे जो statement दी हुई है, उसको read करना है. And elephants, trunk is a combination of the nose and the upper lip. अब बच्चे, अगर statement true है, तो आप T लिखेंगे, और अगर statement false है, तो आप F लिखेंगे. Okay? अब आपको मालूम है, कि ये statement true है, तो आप क्या लिखोगे बच्चे? T. Okay? Students, I told you, lesson 14, Aunt Polly, written by Mark Twain, story याद है ना बच्चे आपको? टॉम की स्टोरी, एक बॉय की स्टोरी, जो स्कूल नहीं जाना चाहता, फिशिंग के लिए जाना चाहता है, वो अपनी आंट को बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता है, कभी वो बोलता है कि मेरे पांव के अंगूठे में पेन हो रही है, कभी वो बोलता है कि मेरे टूथ में पेन हो रही है, और आंट पॉली क्या करती है, स्किलफुली उसके टूथ को निकाल देती है, याद है ना स्टोरी?
Now student, see, Aunt Polly ने Mary को क्या लाने के लिए कहा था? एक पीस, किसका पीस? Hot coil का, और एक strong thread लाने के लिए कहा था? तब आप आंसर कैसे लिख रहे हैं बच्चे? देखिए, Aunt Polly asked Mary to bring. बच्चे, आंसर में आपने देखा, यहाँ पे asked हो गया, ed add हो गया, asked में, ठीक है? Why? Because यहाँ पर question में क्या है? Did. ठीक है, Aunt Polly asked Mary to bring a lump of hot coal and a strong thread. ठीक है बच्चे, you will write like this. Now students, see, answer the following questions with reference to context. बच्चे नीचे statement दी हुई है, आपने carefully उसको पढ़ना है, ठीक है? See, I love you, but you will break my heart one day. आपने पढ़ लिया स्टेटमेंट को, अब नीचे क्वेश्चन को पढ़ेंगे. Who said this to whom? Whom is किसने said means कही. To whom? किसको? ये स्टेटमेंट किसने किसको कही थी चैप्टर में, ठीक है? Now your answer will be, बच्चे ये स्टेटमेंट Aunt Polly ने कही थी ना टॉम को, तब आप कैसे लिखोगे? Aunt Polly said this to Tom. क्लियर बच्चे? Now student, see, my word bank, right? Opposite words. बच्चे आपने opposite word लिखने हैं. अब देखिए word क्या है? Strong. Strong means powerful, ताकतवर. उसका opposite क्या होता है बच्चे? कमजोर, weak. कैसे लिखेंगे? W E A K, weak. But आप क्या mistake करते हैं बच्चे? Spelling में mistake करते हैं. यहाँ पर W E A K आ रहा है, लेकिन आप क्या spelling लिख देते हो कई बार? W double E K, week. वो कौन सा week होता है बच्चे? 7 days वाला week, ठीक है? आपने कौन सा week लिखना है? W E A K, week. Now clear बच्चे? Now students, make blend word. हमने यहाँ पर blend word बनाना है. ये देखिए, G L, glove. Sound आ रही है ना? इससे हम word क्या बनाएंगे बच्चे? G-L-O-W, glow. आप और कोई दूसरा वर्ड भी बना सकते हैं बच्चे, लाइक ग्लू, ठीक है? कोई भी वर्ड बना सकते हैं, लेकिन साउंड सेम रहनी चाहिए. क्लियर बच्चे? स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू अबाउट ग्रैंडपास गार्डन, अ प्ले रिटन बाय गीता चड्ढा यादव. क्या स्टोरी थी उस प्ले में बच्चे? सोमू और परी ग्रैंडपा के घर जाते हैं और ग्रैंडपा के साथ उनके गार्डन में जाते हैं. वहां बहुत कुछ सीखते हैं, प्लांट्स के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में. किससे सीखते हैं बच्चे? अपने दादाजी से. क्या सीखते हैं? कि हमें प्लांट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. ये कौन बताता है? दादाजी. ठीक है बच्चे, नाउ लेट्स रिव्यू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द चैप्टर. स्टूडेंट्स, सी, व्हाई शुड प्लांट्स बी ट्रीटेड वेल? क्वेश्चन क्या है? हमें प्लांट्स के साथ अच्छे से ट्रीट क्यों करना चाहिए? व्हाई? क्वेश्चन में क्या है बच्चे? व्हाई? व्हाई मींस क्यों? हमें व्हाई का आंसर देना है, ठीक है बच्चे? नाउ योर आंसर विल बी, बच्चे हमें प्लांट्स के साथ अच्छे से ट्रीट क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो ह्यूमंस की तरह होते हैं और वो भी प्यास और भूख से मर जाते हैं, ठीक है बच्चे? नाउ सी, प्लांट्स शुड बी ट्रीटेड वेल बिकॉज. आंसर में क्या आया बच्चे? बिकॉज. बिकॉज मीन्स क्योंकि. हमारे क्वेश्चन में वाई था ना कि क्यों, तो हमें उसका आंसर देना है, इसलिए हम क्या ऐड करेंगे? बिकॉज दे आर ऑल्सो लाइक ह्यूमंस एंड डाई ऑफ थर्स्ट एंड हंगर. ठीक है बच्चे, यू विल राइट लाइक दिस. नाउ इनविटेशन राइटिंग, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. Write an invitation letter to invite your cousin for your birthday party. बच्चे आप असेसमेंट में ऐसे क्वेश्चन को रीड करेंगे और देखेंगे कि आप इनविटेशन किसको देना चाहते हैं, किसको अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाना चाहते हैं. अब यहाँ पर देखिए बच्चे, किसको बुलाना चाह रहे हो आप? अपने कज़न को. तो आप इनविटेशन कैसे लिखोगे? बच्चे आपको मालूम है कि इनविटेशन लेटर एक बॉक्स में लिखा जाता है,
ये देखिए ऊपर हेडिंग भी लिखा हुआ है, इट्स माय बर्थडे, बर्थडे पार्टी है ना। अब यहाँ पर डियर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप किसका नेम लिखोगे, किसको इनवाइट कर रहे हो, अपने कज़न को, तो यहाँ पर आप अपने कज़न का नेम लिखोगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम, यहाँ पर कौन इनवाइट कर रहा है, आप इनवाइट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर बीच में क्या लिखोगे बच्चे, आप बताओगे अपने फ्रेंड को कि आप अपनी बर्थडे पार्टी कहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो और किस दिन सेलिब्रेट कर रहे हो, इट मीन्स यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखोगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया बच्चे। नाउ स्टूडेंट्स पिक्चर कंपोजिशन, बच्चे आप असेसमेंट में ऐसे पिक्चर को बहुत केयरफुली ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि पिक्चर कहाँ की है, इस पिक्चर में कौन कौन है और सब क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, कैसे, लेट्स सी। अब देखो बच्चे ये पिक्चर कहाँ की है, पार्क की, तो फर्स्ट सेंटेंस कैसे लिखेंगे, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क। अब पिक्चर में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो कैसे लिखेंगे, देयर आर मैनी चिल्ड्रन। अब देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर ये फुटबॉल है, एक फुटबॉल है, तो कैसे लिखेंगे, देयर इज अ फुटबॉल। अब ये कैसी पिक्चर है, नाइस पिक्चर है, ब्यूटीफुल पिक्चर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ नाइस पिक्चर, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ऐसे ही आप पिक्चर को देखते जाएंगे और स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करते जाएंगे, क्लियर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।